हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ किरण, और सनशाइन विद किरण में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पेटीज की रेसिपी। तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे बनेंगे ब्रेड पेटीज। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैंने मैश कर लिया है। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 4 कुतरी हरी मिर्च, यानी 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर ना हो तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। और ये है अजवाइन, तो 1/2 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे इसमें। अजवाइन को क्रश कर लीजिएगा डालने से पहले। तो अब जाएगा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, तो इसमें हम 3 क्यूब्स चीज की घसक लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चीज की क्यूब्स इसमें घसक के डाल दूंगी। तो ऊपर से डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो इस सारे मिश्रण को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। और ये मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। और अब मैंने ले लिए है 2 ब्रेड। अगर ब्रेड आपकी 1 दिन पुरानी हो तो आपके ब्रेड पेटीज बहुत ही अच्छी बनेंगे। तो ब्रेड की एक तरफ मैंने लगा लिया है सेजवान चटनी, तो एक तरफ मैं लगा रही हूँ सेजवान चटनी, आप चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ टमाटो सॉस में लगाऊंगी, तो इसको भी अच्छे से फैला लीजिए। तो अब हम इसमें आलू का मसाला जो हमने फिलिंग तैयार कर ली थी इसको हम अच्छे से इस पे लगा लेंगे। पूरी स्लाइस को हम अच्छे से कवर कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम इसको दूसरी ब्रेड की स्लाइस से बंद कर लेंगे और इसको हम तिकोने में काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड के सैंडविच अपने तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे बेसन का घोल। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें डाला है 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो इसको पहले चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब हम इसको पानी डालेंगे धीरे धीरे और इसको घोल तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे पानी डालते हुए हम इसका बहुत ही अच्छा घोल तैयार कर लेंगे। तो बेसन को अच्छे से घोल लीजिए और आपका बैटर ना तो बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत पतला होना चाहिए। बेसन का घोल आपका इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए कि जब आप ऊपर से नीचे गिराए तो बिल्कुल इस तरह से आपका बेसन गिरना चाहिए। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो देखिए यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। तो अब हम ब्रेड की पेटीज जो हमने तैयार करी थी सैंडविच, इसको हम डिप करेंगे बेसन के घोल में इस तरह से चारों तरफ से, और ये सीधे जाएगा तेल में। याद रखिए बेसन में डिप करने के बाद सैंडविच को छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो गीला हो जाएगा और आपकी ब्रेड पेटीज तैयार नहीं होगी। तो देखिए पहला ब्रेड पेटीज मैंने डाल। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही डालूंगी, इससे उलटने पलटने में आसानी होगी। तो इसी तरह से इसको उलट पलट कर ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए।
तो देखिए ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा बना है। देखिए ये बहुत ही गर्म है तो इसको मैं हाथ से तो नहीं घुमा सकती, प्लेट ही घुमा देती हूँ। ये चारों तरफ से देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छी तरह से बना है और एकदम फूला सॉफ्ट एकदम अच्छा बना हुआ। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़े अपने तैयार कर लेंगे। ब्रेड पकौड़े में आपको यही ध्यान रखना है कि ब्रेड आपकी एक दिन पुरानी हो तो बहुत अच्छे आपके ब्रेड पकौड़े तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे अपने ब्रेड पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो अब बारी है प्लेटिंग की, तो हम ब्रेड पकौड़ों को सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ, या आप हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इससे पहले कि मैं आपको ब्रेड पकौड़ा काट के दिखाऊं। तो अभी मैं आपको एक ब्रेड पकौड़ा खोल के काट के भी दिखाऊंगी। तो चलिए एक ब्रेड पकौड़ा हम काट कर तैयार करके देख लेते हैं कि कैसा ये बना है अंदर से। तो देखिए ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम फूला फूला बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी 100% ऐसे ही ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार होंगे और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस मानसून आप ब्रेड पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता रानी।